Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. बॉलीवुड की महान एक्ट्रेस और पहली लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी को उनके अंतिम संस्कार के वक्त राजकीय सम्मान दिया गया था। इसको लेकर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने रविवार को एक विवादित बयान दे दिया। राज ठाकरे ने श्रीदेवी को दिए गए राजकीय सम्मान को लेकर कहा कि श्रीदेवी की मौत शराब पीने के कारण हुई थी। इसके बाद उन्हें तिरंगे में लपेट कर राजकीय सम्मान दिया गया, जो कि गलत है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह काफी दुखद है कि श्रीदेवी की मौत शराब पीकर बाथटब में गिरने से हुई। ANI के ट्वीट में कहा गया कि ठाकरे ने कहा, जब श्रीदेवी जैसी पर्सनैलिटी की मौत ऐसी होती है, आप उन्हें तिरंगे में लपेटते हैं और कहते हैं कि ये सम्मान उन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि वह पद्मश्री से सम्मानित थी। यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फॉल्ट है। यह सब तब हुआ जब नीरव मोदी की खूब चर्चा हो रही थी। इसके बाद श्रीदेवी का इशू सामने आया और ये सब हुआ और इशू ही बदल गया। ठाकरे ने कहा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, श्रीदेवी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। कहा यह गया कि श्रीदेवी पद्मश्री से सम्मानित थी, इसलिए उन्हें यह सम्मान मिला। श्रीदेवी की मृत्यु शराब पीकर हुई, दारू के नशे में वह टब में गिर गई। ऐसे में उनकी देह को राष्ट्रध्वज में लपेटा गया और फिर अंतिम संस्कार किया गया। यह सारी गलती महाराष्ट्र सरकार की है। इतना ही नहीं, राज ठाकरे ने यह भी कहा कि मीडिया ने श्रीदेवी की मौत की खबर को काफी हाईलाइट किया, इस खबर को बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया। इसके पीछे की वजह थी कि श्रीदेवी की खबर के पीछे नीरव मोदी का मैटर छुपाया जाए और इस मैटर से लोगों का ध्यान हट सके।